कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता मुकेश नायक ने कहा कि जिनके रहते हम विधानसभा चुनाव हारे, उनके रहते हम लोकसभा कैसे जीत पाते। अच्छा वो ऐसे लोग भाजपा में जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद छिंदवाड़ा से सबसे ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़कर भाजपा की सदस्यता ली है। बीजेपी का यह कहना है कि कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। ऐसे में कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक का कहना है कि जिन कार्यकर्ताओं के रहते हुए हम विधानसभा चुनाव हारे थे, उन कार्यकर्ताओं के रहते हुए क्या हम लोकसभा चुनाव जीत पाते? अगर वह जा रहे हैं तो अच्छा ही है। सुर्खी से पूर्व विधायक पारुल साहू के कांग्रेस से बीजेपी जाने पर मुकेश नायक ने कहा कि ना तो उनका बीजेपी में रहते हुए कोई महत्व है और ना ही कांग्रेस में था। इधर छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से अमित सक्सेना के बीजेपी में जाने पर मुकेश नायक ने कहा कि जब तक यह कमलनाथ के साथ और कांग्रेस के साथ थे तब तक ही इनका महत्व था, अब किसी भी तरह का इनका कोई महत्व नहीं है। और रही बात छिंदवाड़ा लोकसभा सीट की, तो कमलनाथ ही जीतेंगे। चलो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि उनके न आने का महत्व है न उनके जाने का महत्व है, और वो कहीं भी रहे उनका कोई महत्व नहीं है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।